में जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि 8 cos 20 into cos 40 into cos 80 degree is equal to 1। मुझे क्वेश्चन इस तरह से रखा है, प्रूव करना है कि cos 20 degree या 8 cos 20 degree into cos 40 degree into cos 80 degree is equal to लेकर आना है मुझे कितना 1 लेकर आना है। तो इस केस में हम क्या करें कि हम सॉल्व कर लेते हैं LHS को, ये सब ये आपने LHS, तो यहां 8 cos 20 degree into cos 40 degree और into बना कितना cos 80 degree। अब हमने जितने फॉर्मूले देखे हैं उसमें फॉर्मूला बनता है 2 का टर्म में, मतलब ये बताया है कि हमें फॉर्मूला बनेगा 2 cos a cos b का, क्योंकि पूरा टर्म जो cos क्वेश्चन जो है पूरा cos के टर्म में है, तो यहां पे जो फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा वो बनेगा 2 cos a cos b का। तो यहां इसको लिख रहा हूं 8 into 2 यस को लिख ले सर 4 into 2 साथ में cos 20 into cos 40 और इंटर में कितना cos 80। अब 4 को सेव रखें, यहां पर देखिए इन दोनों फार्मूला लगा दें 2 cos a cos b, तो यहां जो फार्मूला बनेगा तो cos a plus b मतलब cos 60 plus cos a minus b मतलब कितना cos 20 आएगा, और साथ में चला है cos 80 डिग्री। देखिए 8 था, 8 को लिखा मैंने 4 into 2 इस 4 को भाग करा, यहां 2 cos 20 into cos 40 में फार्मूला बना रहे हैं cos a plus b, तो a plus b मतलब cos 60 और plus cos a minus b तो cos 20 हो गया। अब इस 4 को सेव रखें, यहां cos 60 की वैल्यू 1 upon 2 और यहां बचा कितना cos 20 और ये cos 80 डिग्री है। इस 4 को सेव रखा 1 plus 2 cos 20 डिग्री upon 2 तो यहां पे कितना cos 80 डिग्री। अब देखिए इस 4 से कैंसिल करेंगे तो यहां पे 2 बचेगा और इस cos 80 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 80 plus 2 cos 20 into में कितना cos 80 डिग्री है। देखिए चेक करिए इसी तरह रखा होगा कि हमने यहां पर 8 को लिख लिया था, 4 into 2 लिखा था, 4 को भाग रहा था और शुरुआत के दो टर्म को लेकर हमने फार्मूला बनाया था 2 cos a cos b, और जो बना था cos a plus b मतलब cos 60 और plus cos a minus b तो cos 20, बाद में cos 80 को सेम रखा। अब इस 4 को सेम रखा, cos 60 की वैल्यू 1 by 2 और cos 20 से है लेकिन भाग कितना cos 80 है। अब इसका एलसीएम निकालो तो 1 plus 2 cos 20 upon 2 और ये साथ में कितना cos 80, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को तो 2 आएगा और इस cos 80 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करें, यहां पर हम 2 को बिल्कुल सेम रखें, यहां बचा कितना cos 80 डिग्री। अब यहां इसको बोला a और उसको बोला b, तो यहां पर हम फार्मूला बना रहे हैं 2 cos a cos b जो होता है cos a plus b मतलब 100 plus cos a minus b मतलब cos 60, ऐसे तो यहां पर cos minus 60 आएगा तो cos minus theta जो होता है वो cos theta होता है, इसलिए इसको मैंने cos 60 कर दिया। अब देखिए इस 2 को बिल्कुल सेम रखें, इस cos 80 को कैसे लिख रहा हूं 180 minus 100 degree, क्योंकि जो 180 है इस 180 में से अगर मैंने 100 को माइनस कर दिया, इस 180 में से 100 को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया तो क्या आएगा 80 डिग्री आएगा, साथ में यहां बचा कितना cos 100 डिग्री और प्लस का बना कितना cos 60 डिग्री। अब इस 2 को सेम रखा इस 180 को, तो 180 पर एंगल चेंज नहीं होगा लेकिन ये कितना आएगा cos 100 और 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड होम जो होता है वो होता है साइन का, तो यहां पर cos है तो माइनस में आएगा, साथ में बचा कितना cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, 2 cos है cos 60 की वैल्यू 1 by 2 ये कैंसिल तो कितना 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा RHS हो जाएगा, जिसमें हमने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने 8 दे रखा था तो 8 को हमने ब्रेक करा उसको हमने 4 into 2 लिखा और फिर हमने फार्मूला बना लिया 2 cos a cos b का। अब इसी तरह से मुझे एक और क्वेश्चन दे रखा है, जिसे मान लीजिए मुझे दे रखा है कि sin 20 into sin 40 into sin 60 into sin 80 और is equal to दे रखा है कितना 3/16। ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है प्रूव करने को कि prove that sin 20 into sin 40 into sin 60 into sin 80
इज इक्वल टू 3/16। दोस्तों ये क्वेश्चन बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये किसी भी एग्जामिनर के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें और ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों की बात ना हो, ये पेपर में एक आध भी क्वेश्चन इस तरह का ना आए तो फिर पेपर का वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है, पेपर का वो मजा नहीं आता है। हमेशा कोई भी पेपर हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आईबी बोर्ड का हो, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा आते ही आते हैं। इसमें चार क्वेश्चन बनते हैं, एक साइन के टर्म में बनता है, फिर एक क्वेश्चन बनेगा कॉस के टर्म में जिसमें इवन टर्म ही आएंगे, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60 और कॉस 80। फिर एक क्वेश्चन बनता है ऑड टर्म में, साइन में भी और कॉस में भी। जो साइन होता है तो आएगा साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। वैसे कॉस के लिए होता है कॉस 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, इन्हें आप हमेशा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले लिया LHS, और जब LHS है वो हो जाएगा कितना, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि आपने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें इंटू में 8 रखा था, 8 रखा था, तो आपने क्या करा उसको 2 × 4 करके उसको इसीलिए सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे जो टर्म था वो टर्म में कितने 3 टर्म दे रखी थी, देखें cos 20, cos 40 और cos 80 यहाँ पे कितनी 3 टर्म दे रखी है, जबकि यहाँ पर साइन में 4 टर्म दे रखी है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपको किसकी वैल्यू पता है, आपको किसकी वैल्यू यहाँ पर पता है, आपको साइन 20 की वैल्यू पता है या फिर आपको साइन 40 की वैल्यू पता है या फिर आपको साइन 60 की वैल्यू पता है या फिर आपको साइन 80 की वैल्यू पता है। आप देखिए आपको किसकी वैल्यू पता है, तो आपको वैल्यू किसकी याद है, साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू पता है, याद है या नहीं है वो अलग बात है ना, कि साइन 60 की वैल्यू हाँ सर होती तो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्या पता कि कई लोग आ गया हो, तो जिनको याद नहीं आ रहा है उन्हें थोड़ा सा रिविजन करना जरूरी होगा, वो पुराने जो चीजें हैं, पुराने जो फॉर्मूलेस हैं, उनको थोड़ा रिवाइज करिए। बिना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले के कुछ नहीं होना है, फॉर्मूले आपको याद करना ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं क्या कर दूं, आपसे साइन 60 की वैल्यू रख रहा हूं और इस क्वेश्चन को यहां से करा, इसे मैं यहां से साफ कर लेता हूं। तो हमने क्या करा, यहां से वैल्यू रख दी हमने साइन 60 की, तो साइन 60 जो होगा वो √3/2 होता है, तो उसको सबसे आगे ले लिया। अब यहां साइन 20, यहां साइन 40 और यहां कितना साइन 80 डिग्री आएगा, देखिए चेक करिए ऐसे ही होगा। अब हम क्या करें, इस √3/2 को सेम रखें, यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से और डिवाइड करें तो यहां साइन 20, यहां साइन 40 और भाग हो जाएगा कितना साइन 80 डिग्री हो जाएगा, देखिए चेक करिए कि हमारा √3/2 आ रहा था, तो ये हमारा √3/2 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा और साइन 20 और साइन 40 को साथ में लिख लिया, जबकि साइन 80 को हमने बाहर कर दिया। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ √3/4 आएगा, यहाँ 2 साइन 20 इंटू बचा कितना साइन और यहाँ 40 डिग्री होगा, जबकि ये कितना जाएगा साइन और 80 डिग्री। अब देखिए √3/4 को बिल्कुल सेम, यहाँ 2 साइन है साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस 20 माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस 60, जबकि यहाँ कितना साइन 80 डिग्री को बिल्कुल सेम रखा। फिर देखिए यहाँ पर इस √3/4 को मैं बिल्कुल सेम रख रहा हूँ, इस कॉस 20 डिग्री को मैं बिल्कुल सेम रख रहा हूँ, इस कॉस 60 को लिख रहे हैं 1/2 और साथ में कितना साइन 80 डिग्री, देख लीजिएगा चेक करिएगा, ये इससे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करें, यहाँ पर इस अपॉन में देखा है कितना 1 दिया है, यहाँ पर इसका हम एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं, और जब इसका हम एलसीएम सॉल्व करेंगे तो यहाँ √3/4 ये बिल्कुल सेम है, यहाँ जाएगा 2 cos 20 डिग्री और माइनस 1, जबकि डिनोमिनेटर में कितना 2 और बाहर चले रहा है हमारा कितना sin 80 डिग्री। इसी तरह से होगा कि हमने इन दोनों टर्म का एलसीएम निकाला, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे 1 दिया है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना 2 आएगा, और ये 2 आएगा तो यहाँ पर जाएगा 2 cos 20 माइनस 1/2। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ √3/8 होगा, फिर sin 80 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 20 इंटू
साइन 80 डिग्री, जबकि माइनस का बना कौन साइन, और यहां बच रहा है 80 डिग्री, इसी तरह का टर्म आ रहा है। देखिए चेक करिए कि हमने क्या किया, हमने यहां पर इस दोनों टर्म का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना 2 आ रहा है, और जब 2 आ रहा है तो यहां बचेगा 2 cos 20 minus 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू में sin 80 है। अब यहां मल्टीप्लाई कराओ तो √3/8, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 20 into sin 80, जबकि यहां मल्टीप्लाई करा तो sin 80 डिग्री आ रहा है। अब देखिए दोस्तों इस √3/8 को बिल्कुल सेम रखें, यहां पर हम फार्मूला लगाना है 2 cos sin b, और 2 cos sin b का जो फार्मूला होता है वो होता है sin a plus b, तो sin a plus b मतलब 100 minus sin a minus b, ये हो जाएगा माइनस का 60 डिग्री, जबकि यहां बचा कितना माइनस, और sin 80 डिग्री सेम रहा। अब इस √3/8 को बिल्कुल सेम रखा, यहां देखिए sin 100 डिग्री बिल्कुल सेम रहेगा, ये माइनस जो है वो आगे आएगा, तो sin 60 माइनस sin, इसे लिख लेते हैं 180 माइनस 100 डिग्री। हम किसी को भी चेंज करें, हम चेंज कर जाए तो हम फर्स्ट वाले को चेंज करें या फिर हम लास्ट वाले को चेंज करें, हम चेंज करेंगे ऐसे टर्म को जिसको ऐड करने पर सम कितना 180 आ रहा है। देखिए 100 और 80 को अगर ऐड करता तो 180 आता। अब इसको मैंने क्या करा, इस √3/8 तो बिल्कुल सेम रहा, यहां sin 100 डिग्री बिल्कुल सेम रहेगा, इस sin 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन sin 180 माइनस थीटा, तो sin 180 है, 180 का एंगल चेंज नहीं होगा, तो वो 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड जो होम होता है साइन का, तो यहां पर साइन और कोसाइन जो है वो हमेशा प्लस में रहेंगे, बाकी सारे टर्म जो है वो माइनस में रहेंगे, यहां पे ये टर्म जो रहेगा बिल्कुल वही तो वही रहेगा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हुए, और कैंसिल हुए तो यहां बचा कितना √3/8 यहां कितना √3/2, या मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है 3/16 आ रहा है। देखिए चेक करिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा sin 20 into sin 40 into sin 60 into sin 80 का। एक बार फिर समझिएगा हमने क्या किया है, हमने क्या किया है इसमें कि हमने LHS लिया, मुझे जिसकी भी वैल्यू पता है, मुझे 20 40 60 80 में मुझे जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू मुझे पुट करने का है, तो मुझे याद है वैल्यू sin 60 की, क्योंकि 20 40 और 80 की वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो मैंने sin 60 की वैल्यू पुट करी, वो sin 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 है, साथ ही बचा यहां पर sin 20 sin 40 और sin कितना 80 बचा। अब √3/2 वैल्यू में पुट कर चुका हूं, अब मुझे बच रहा है sin 20 sin 40 और sin 80, तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, ऐसा क्यों करा, क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें cos का दे रखा था, यहां मुझे sin का दिया है, तो मुझे समझ आ रहा है कि यहां पर फार्मूला बनेगा sin a sin b का, लेकिन साथ में मुझे 2 चाहिए, तो 2 sin a sin b हो जाएगा, तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा और sin 80 को बाहर कर दिया। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, यहां बचेगा 2 sin 20 into sin 40 जो जाएगा sin 2 sin a sin b जो होता है cos a minus b, तो cos a minus b मतलब 20 minus 40, तो cos minus 20, पर cos minus होता नहीं है, तो cos 20 आएगा, minus cos a plus b, तो cos 60 हो जाएगा, साथ में sin 80 को हमने बिल्कुल सेम रखा। अब हम क्या करें, इस √3/4 को सेम रखा, इस cos 20 को सेम रखा, इस cos 60 की यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, जबकि यहां sin 80 को सेम रखा। अब दोस्तों इस √3/4 तो बिल्कुल सेम रहा, यहां इसका हमने एलसीएम निकाला तो बना 2 cos 20 minus 1 upon 2 into sin 80, फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यहां बचेगा √3/8, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2 cos 20 into sin 80 और माइनस का sin 80 डिग्री आ रहा है। अब यहां पर इस √3/8 तो सेम है, तो यहां पर मेरा फिर से फार्मूला बन रहा है, फिर से यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, और आइडेंटिटी होती है 2 cos sin b जो होती है sin a plus b minus sin a minus b, तो sin a plus b का आइडेंटिटी बनाएंगे तो 20 और 80 कितना 100 हो जाएगा, फिर sin a minus b बनाएंगे तो 20 minus 80 जो है वो माइनस का 60 हो जाएगा। चलिए था यहां लिख लिया हमने sin minus 60, तो माइनस जो है वो आगे जाएगा, और इसको लिखा 180 को लिख लिया मैंने 180 minus 100 डिग्री।
अब ये टर्म बिल्कुल सेम रहा, sin 60 की वैल्यू √3/2, यहां पर 180 माइनस थीटा आ रहा था, तो 180 पर एंगल चेंज नहीं होता है क्योंकि उससे बनता है इवन फंक्शन, लेकिन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट होम होता है sin का, तो अब sin और cosec प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, ये प्लस ही रहेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, इसका आंसर मल्टीप्लाई करा तो 3/16 आ रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इतना मुश्किल भी नहीं है, पर हां ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं,